गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का जो वीडियो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हुक को काउंटर कैसे करते हैं और किस मूव से वो काउंटर होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम रेसलर्स इससे बेनिफिट पाएँ। पहले हम जान लें हुक लगाते कैसे हैं। हुक लगाने के लिए आपका अटैक जो है वो कुछ यहाँ पे होता है, यानी कि रिस्ट पे होता है। और रिस्ट पे करने के बाद कई लोग इसी तरह पिन कर देते हैं, कई लोग इस तरह से पिन करते हैं। आप दोनों मूव्स को देख लीजिए, कुछ लोग इस तरह से करते हैं और कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो ये आपका प्रॉपर हुक का पोजीशन हो गया जिससे अटैक होता है। अब इस अटैक से बचे कैसे, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हुक में अटैक होता किससे है। कोई भी हुक का जो खिलाड़ी होता है वो नीचे की उंगली, यानी कि ये दोनों फिंगर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं उसकी, और उसका जो अटैक होता है वो नीचे की ही दो फिंगर्स से होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हुक पोजीशन में लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से कर्ल करूँगा। यहाँ से अटैक होगा, तो जहाँ से अटैक हो रहा है हम सबसे पहले उसी अटैक को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे वीडियो में आगे बताता हूँ। तो इस अटैक को कैसे रोका जाए, इस अटैक को रोकने के लिए हमें यहाँ पे इस पोजीशन को कुछ इस तरह करना होगा। तब देखिए मैं ग्रिप नहीं ले पा रहा हूँ, यानी डिसकम्फर्ट हो रहा है। तो इस मूव को लो हैंड टॉप भी कहते हैं, अगर अगला चाहे। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे राहुल भाई ने आकाश भाई को इसी अटैक से इसको रोक रखा है। ये आप दूसरा वीडियो देखिए, इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हुक को काउंटर किया गया है। तो आप देख रहे हैं इस रिस्ट को बस थोड़ा सा इस तरह करना है, और ये कब होगा, जब आप किसी भी पोजीशन में, चाहे आप लो हैंड में हैं और चाहे आप हाई में हैं, हाई टॉप खेल रहे हैं, बस जैसे ही इसका अटैक होता है तुमको क्या करना है, ये करना है। तो इधर आ जाओ, चलो तो ये कुछ इसी तरह होगा। अगर किसी ने अंदर की तरफ अटैक किया तो हम अंदर की तरफ हाथ मोड़ते हुए ले जाएंगे और वहां से पिक करके उसको पीछे ले आएंगे। अब ये देखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके को अपने लो हैंड टॉप रोल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लो हैंड टॉप रोल क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया है, आप देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है लो हैंड टॉप रोल होता क्या है, कैसे उसकी पोजीशनिंग होती है और कैसे उसको खेलते हैं। डिटेल में भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं और डिटेल में सारी चीज़ें लेके आऊँगा और कैसे बेस्ट तरीके से काउंटर करें वो भी बताऊँगा। तो लो हैंड टॉप रोल या हाई पोस्टिंग टॉप जो हम खेलते हैं उसमें बस अपनी रिस्ट को पीछे करते हुए कुछ इस तरह से करना है, तो भी आप हुक को काउंटर कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही एलीट तरीका है, इसको भी आप देखिएगा। दूसरा तरीका ये है, हुक की पोजीशन लो, हुक ऐसे नहीं पूरा ग्रिप लो। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी गेम खेलते हैं आप बस सेंटर से ड्रैग कर दीजिए अगले को, सेंटर से ड्रैग करने पे वो अपनी पोजीशन खो देगा। उसके बाद आप चाहे हाई हुक मारिए, चाहे आप टॉप कर दीजिए, चाहे आप खुद भी हुक लेके पिन कर दीजिए, तो सबसे पहले आपको सेंटर से ड्रैग करना पड़ेगा। तो गाइस जहाँ तक मैंने देखा है आर्म रेसलिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा मायने रखती है, टेक्निक तो तब काम करती है जब कोई 19-20 का खिलाड़ी हो, या मैं कहूँगा 18-20 भी है तब भी टेक्निक काम आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेंथ आपकी एलीट लेवल की है तो काम कुछ भी नहीं आता है। बेस्ट एग्जांपल लिवान सेक्नेशवली है, जब आप देखते हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्म रेसलर है और कोई हरा नहीं पाता जल्दी, कोई टेक्निक काम नहीं कर पाती है कि स्ट्रेंथ क्योंकि ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो दो टेक्निक्स मैंने आपको हुक को काउंटर करने के लिए बताई, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ अगर ऐसे अच्छे लग रहे हो तो आप बताइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको हमारे आर्म रेसलिंग चैनल पर और कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी सीखूँगा, क्योंकि मैं सीखना ही चाहता हूँ। मैं भी अभी नया ही हूँ फील्ड में, बहुत तगड़ा तो मैं आर्म रेसलर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एनालिसिस आप देखिएगा, इसको ट्राई करिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ और मेरे साथ 40-50 बच्चे लगे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो होपफुली देखिए प्रयागराज से कई बच्चे अब मेडल लाना भी स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा यूपी का स्टेट का है तो उसमें भी हम लोग जा रहे हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइए और कमेंट छोड़िएगा नीचे। ओके, टिल देन बाय।